Hi everyone, I am Shita Khurana and I am currently studying at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूंगी कि आपने मुझे इतना पसंद किया. अमन तिलक के चैनल पे मेरी एक वीडियो थी, उस पर 1,00,000 व्यूज आए थे एंड मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज और बहुत सारे मैसेजेस आए थे, विच मेड मी रियलाइज कि मेरी जर्नी जो थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था, उससे मैं बहुत लोगों को बेनिफिट कर सकती हूँ और उससे काफ़ी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सकती है. मैं मानती हूँ कि मैं शायद इतनी अच्छी ओरेटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो दोनों ही एक्सट्रीम्स का था. मैंने वो भी फेस किया है जब मई 2018 में मेरा स्कोर 463 था. उसके बाद का फेलियर भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, उससे पहले की एंग्जाइटी भी मैंने एक्सपीरियंस की है, और मई 2019 में मेरा स्कोर 647 था, तो उसके बाद का सक्सेस की खुशी भी मैंने सेलिब्रेट की है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी गलतियाँ थी, जो भी मैंने मेजर चेंजेस किए थे अपने स्कोर को इतना शूट अप करने के लिए, और जो भी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में चेंजेस किए थे, वो मैं सभी को बताऊँ और आपके साथ शेयर करूँ. तो सबसे पहले आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि यू डोंट मिस एनी अपडेट. उसके बाद मैं ये कहूँगी कि मैंने अभी रिसेंटली उड़ान के ऐप पे एक लाइव सेशन लिया था, विच वॉज मेनली फॉर ड्रॉपर्स. तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम एक मैंने अभी देखी, जो अभी आपको आ रही है, वो ये थी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत डीमोटिवेटेड हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि नीट का जो अनसर्टेनिटी है, जो पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आ रही हैं, उसके बारे में आप बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं और बहुत डिप्रेस्ड हैं, जो मैंने देखा था. मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक महीने पहले इतना स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है पढ़ने का, समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है, हर रोज़ ये लगता है कि होगा या नहीं होगा, समझ नहीं आता है. तो उससे और उसके साथ साथ अब ये भी एक नई प्रॉब्लम जो फेस करने को मिल रही है, वो ये है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस बारे में. तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी इसके बारे में कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने का बस एक ही तरीका है कि आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. जो भी लोग अभी सोच रहे हैं और अपना टाइम इस पर वेस्ट कर रहे हैं, वो बाद में कहीं ना कहीं इस बात को बहुत रिग्रेट करेंगे कि हमने इसको सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर दिया. लेकिन अभी आपके लिए ऑफिशियली इट इज़ 26 जुलाई, सो यू हैव टू थिंक दैट योर एग्जाम इज ऑन 26 जुलाई. दो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नीट पोस्टपोन होगा, पर उसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक महीने पहले का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है और उसका एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है. तो ये सोच के आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप बस एक सिंपल सा रूल फॉलो करो. आप ये करो कि ये सोचो कि 26 जुलाई को ही नीट है, और अभी तक ऑफिशियली है भी 26 जुलाई को ही है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो. और उसके बाद आपने अगर मान लो सोचा है कि हम 10 क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर कर लेंगे, या फिर प्रीवियस ईयर तो खैर सारे ही पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए, पर अगर आपने सोचा है आप 10 मॉक टेस्ट तब तक फुल सिलेबस दे दोगे, तो जो भी उसके बाद का आपको टाइम मिलेगा, दैट इज़ अ बोनस फॉर यू. तो आप ऐसे मत सोचो कि हमें अगर हम क्या करें, अगर पोस्टपोन हो गया तो हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. अगर आप बहुत टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, आपको पता होगा कि आपके पास इतना टाइम है और आपके लिए इतना सारा सिलेबस अभी आपको रिवाइज करना है, तो आप कभी कंफ्यूज और डिप्रेस नहीं फील करेंगे. मुझे मैंने जो अभी प्लान किया है वो ये है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं खुद से वो टॉपिक्स बनाऊँ जो मुझे लगता है, मैं रियली चाहती हूँ कि वो उनसे आपकी हेल्प हो. तो आपको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स जो आपको अभी फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो आप कमेंट्स सेक्शन में टाइप करें, और जिसपे भी सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे और जो मुझे लगेगा कि मेजर प्रॉब्लम है फॉर मेनी एस्पिरेंट्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी. सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट. थैंक यू.